हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश विद एकेडमी। आज अभी जो है वो एसएससी की वेबसाइट पे एसएससी सीएचएसएल 2019 का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कितने मिनिमम स्कोर पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और कितना मिनिमम मार्क्स था, तो किस कौन से कैटेगरी के लिए कितना कितना कट ऑफ दिया है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपको मिनिमम, जिससे कि आपको किसी पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाए। ये नोटिस है और इसमें आप देखेंगे टोटल वैकेंसी जो थे वो 4684 वैकेंसी थी, उतना वैकेंसी जो है वो आपको फिल कर दी गई है। यहाँ पे एसएससी के वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बात मैं बताऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे एक वीडियो अवेलेबल है, मेरा ही है। मैंने जितना कट ऑफ एक्सपेक्ट किया था उतना ही फाइनल कट ऑफ गया है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कंपेरिजन भी करेंगे कि किसका कट ऑफ कितना गया है इसके अनुसार। और ये चीज एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग प्रयास लगाते हैं लेकिन यहाँ पे देखे तो मैंने जो भी एक्सपेक्ट किया था एकदम एग्जैक्ट डेटा वही उसी के अनुसार उतना ही फाइनल कटअप किया है। एक एसटी कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो, एससी कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो, अब कैसे तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये पीडीएफ अवेलेबल है यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, एसएससी 2019 के बारे में। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल जो थी वो थी टोटल आपको 4684, जो कि पिछले बार लगभग 5700 प्लस के आसपास में वैकेंसी थी। वैकेंसी भी यहाँ पे डिक्रीज रहा। और बात करें कि टीयर वन का कट ऑफ कैसे गया था, तो यहाँ पे 2019 का टीयर वन का कट ऑफ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने के लिए 2018 से 2020 और 2019 के, तो उसके अनुसार सबसे ईजी जो पेपर हुआ है और सबसे हाई कट ऑफ जो गया है आपको देखने को मिला है वो 2019 में देखने को मिला है। रिवर कैटेगरी के लिए जहाँ 160 के करीब में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 150, ओबीसी 156, एससी 136 और एसटी कैटेगरी के लिए 127 के पास में आपको मार्क्स गया था। ये सिर्फ और सिर्फ टीयर वन के लिए है। यदि हम बात करें टीयर टू के लिए तो उसका भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टीयर टू। अब यहाँ पे देखते हैं फाइनल जो है ऊपर कितना पे आपको कट ऑफ गया है मिनिमम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम इसका इसका नवंबर में जो है वो स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग हुआ था और इसका पेपर 2020 में हुआ था। 2020 में मार्च और अक्टूबर में मिला करके पेपर हुआ था, कोविड की वजह से डिले हो गया था और फाइनल मेरिट लिस्ट आया आपको आज 2022 में 10 मई 2022 को। तो बहुत लंबा प्रोसेस चला है इसके फाइनल सिलेक्शन तक के। यहाँ पे देखिए टीयर वन का कट ऑफ जहाँ जनरल कैटेगरी के 159 नंबर गया है, वही टीयर टू तक इसका कट ऑफ 222 गया था अब तक का सबसे हाईएस्ट, और फाइनल सिलेक्शन बना है आपको 237.4, यानी कि लगभग आपको यहाँ से प्लस 15 मार्क्स इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यदि बात करें तो मैंने यहाँ पे 235 एक्सपेक्ट किया था, 235 प्लस, तो दो नंबर इतना तो चलता ही है माइनस प्लस में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखें तो 249 कट ऑफ गया था टीयर वन का, टीयर टू का कट ऑफ गया 206 और फाइनल सिलेक्शन आपको हुआ है 229.6, यानी कि यहाँ पे यदि गैप देखा जाए तो लगभग 23 नंबर का गैप है और मैंने जो कट ऑफ एक्सपेक्ट किया था 230, यानी कि पॉइंट में समथिंग का डिफरेंस है, तो उतना भी चलता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए जहाँ 156 मार्क्स गया था टीयर वन का कट ऑफ, टीयर टू के लिए 215 लेकिन फाइनल सिलेक्शन बना है 233.8 पे और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था 232, तो यहाँ से एक नंबर का यहाँ पे डेढ़ नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एससी कैटेगरी के लिए सेम वैसे ही 136 कट ऑफ गया था 197, टीयर टू का कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन आपको बना है मिनिमम पोस्ट के लिए आपको 219 नंबर पे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन ज्यादा लो रह गया, यानी कि 210 मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे देखिए एसटी कैटेगरी के लिए 127 टीयर वन का कट ऑफ गया था, टीयर टू का 190 और फाइनल सिलेक्शन बना है 208 पे। ओके, ये जो है वो मिनिमम मार्क्स है जिससे कि आपको कोई मिनिस्ट्री या फिर कोई यानी कि पीए का पोस्ट मिला होगा, पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट यहाँ पे मिला होगा। और एलडीसी के लिए हायर कटअप तो बहुत ज्यादा गया है, हायर से क्या मतलब है आपको यहाँ मिनिमम कटअप से मतलब है। तो इसी प्रकार से यदि आप 2020 का स्किल टेस्ट दिए डिस्क्रिप्टिव का पेपर दे चुके होंगे तो उसके अनुसार भी फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप मैंने एक्सपेक्ट किया है तो उसके आसपास रहेंगे तो जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन कर ले, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ।
और यहाँ पे ये जो है आपको यहाँ पे ओरिजिनल जो पीडीएफ में यहाँ पे आप यहाँ पे मार्क्स देखने को मिल रहा है, या जनरल कैटेगरी का है, या ओबीसी कैटेगरी का है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, या एससी कैटेगरी का है, और या एसटी कैटेगरी का है, और सारे जो अदर कैटेगरीज होते हैं ओरिजेंटल रिजर्वेशन में, वो सब बाकी सब है। ओके, यही था इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।